9 अक्टूबर 2022 को रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है। इसे लेकर आज प्लेयर जो है वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ऐसे में रांची एयरपोर्ट में तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई है प्लेयर्स के आने की, यानी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के दोनों टीम के खिलाड़ियों के आने के लिए तमाम तैयारियाँ लगभग हो चुकी है। बस हैं, BCCI के जो गाड़ियां हैं वो कतारबद्ध यहां पर तैयार हैं। इसके अलावा लोगेज की गाड़ी और जो बाकी जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए भी गाड़ी जो है वो तमाम चीज़ें तैयार कर लिए गए हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं ये वॉल्वो बस में, इसी बस में प्लेयर जो हैं वो यहाँ से रवाना होंगे और रांची के रेडिसन ब्लू में जा करके ठहरेंगे। आगे की तस्वीर हम आपको दिखा दें, रांची के एयरपोर्ट की ये तस्वीर है जहाँ कुछ ही क्षणों में अब दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच होने वाले मैच के लिए प्लेयर्स जो है वो रांची पहुँचेंगे और रांची पहुँचते ही इनके लिए जो वाहन की सुविधा है वो यहाँ पर पहले से लगा दी गई है। कुछ ही क्षणों में बस ये आएंगे और यहाँ से रेडिसन ब्लू जाएंगे। बता दें कि 9 अक्टूबर 2022 रांची के लोगों के लिए खास होगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच ये ऐतिहासिक मैच और जो इसमें उल्लास होगा ये देखते ही बनेगा। ऐसे में BCCI की ओर से जो तैयारियां की गई है यहां पर गाड़ियों को लगा दिया गया है, एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से भी तमाम तैयारियां कर ली गई है। यहां कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, ये गाड़ियां किसके लिए? प्लेयर्स लोग के लिए है? कैमरा के लिए है सर। कैमरा लोग कौन? कैमरा लोग के लिए, कैमरा और प्लेयर के लिए, दोनों के लिए गाड़ी है। हाँ। अभी जो आगे में प्लेयर के लिए गाड़ी था आप लोग भी उसी में? हाँ, उसी में है सर। कितनी गाड़ियां हैं? लगभग 10 से 15 गाड़ियां। तो 10 से 15 गाड़ियां फिलहाल अभी रांची एयरपोर्ट में लगा दी गई है और दो वॉल्वो गाड़ी जो है, वॉल्वो बस जो है उससे प्लेयर जाएंगे। सर तीन गाड़ी है, तो कितने मतलब कितने बजे तक लगभग उम्मीद है? खेलों का तो 2 बजे का फ्लाइट है, 2:15 बजे का फ्लाइट है। हाँ। टीम आएगी 2:15 बजे। ये BCCI के जो हम लोग कैमरा वगैरह है ना, जिससे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कराते हैं, जिससे हम लोग पूरा मजा लेते हैं ना, उनके लिए हम लोग व्यवस्था। प्लेयर्स के लिए वॉल्वो है, वॉल्वो है प्लस बहुत सारी गाड़ी, उनके लिए तो कहना नहीं, तैयारी लगभग। हाँ, बिल्कुल। तो रांची के एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, प्लेयर्स के आने की संभावना अब कुछ ही क्षणों में है और इसे लेकर तमाम गाड़ियां जो हैं BCCI की ओर से तैयारियां जो हैं वो यहां पर मौजूद हो चुकी हैं और बस अब इंतज़ार है लोगों को कि कब दोनों टीम की प्लेयर रांची पहुंचे और रांची पहुंचने के बाद उनका ज़ोरदार स्वागत होगा और यहाँ से रांची एयरपोर्ट से सीधे वो रेडिसन ब्लू जाएंगे जहां वो ठहरेंगे और 9 तारीख को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शानदार मुकाबला होगा। इस मुकाबले में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये बात की बात है, लेकिन इनके आगमन से रांची और पूरे झारखंड के लोगों का उत्साह देखते ही बनेगा। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस रांची।